हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। आज हम आपको केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की स्टोरी बताएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा एक लड़की मॉडल बनने के लिए घर से तो निकली लेकिन रेस्तरां में काम करने लगी, फिर अचानक क्या हुआ जो जिंदगी बदल गई। ऐसे तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। पहले सास भी कभी बहुत ही सीरियल से चर्चा में आई और घर घर में खास पहचान बनाई, फिर राजनीति में एंट्री के बाद मानो लोगों के जुबान पर चढ़ गई। स्मृति ईरानी के लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हुए लेकिन हर मुश्किल का सामना डट कर की और आगे बढ़ती रही। लेकिन कई सवाल हैं जिसका उत्तर आपको जानना जरूरी है। सवाल नंबर एक, लोग स्मृति ईरानी पर दोस्त के साथ दगाबाजी करने का आरोप क्यों लगाते हैं? सवाल नंबर दो, स्मृति मल्होत्रा से स्मृति ईरानी कैसे बनी? सवाल नंबर तीन, क्या आपको पता है स्मृति ईरानी शादी से पहले स्मृति मल्होत्रा थी? सवाल नंबर चार, क्या आपको पता है स्मृति ईरानी अपने ही दोस्त के पति से शादी की? नहीं पता है तो पूरी खबर जरूर देखें। स्मृति ईरानी के बारे में जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। स्मृति ईरानी की शादी से पहले का नाम स्मृति मल्होत्रा था, पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती थी। पिता अजय कुमार मल्होत्रा का जहां एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक था, वहीं माँ शिवानी एक बंगाली परिवार से आती थी। स्मृति ईरानी तीन बहनों में सबसे बड़ी थी। स्मृति ईरानी राजनीतिक में आने से पहले एक अभिनेत्री भी रह चुकी हैं, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही सीरियल के जरिए स्मृति ईरानी ने घर घर में एक खास पहचान बनाई थी। उस सीरियल में उन्होंने एक आदर्श बहू का रोल निभाया, लेकिन असल लाइफ में लोग उन्हें आदर्श बहू नहीं बल्कि घर तोड़ने वाली महिला का खिताब दे चुकी हैं और उन्हें एक स्वार्थी महिला का कर ट्रोल भी कर चुके हैं। किस वजह से ट्रोल किया गया आगे कहानी में बताएंगे। अब बारी आती है किस्सा के अहम किरदार की। स्मृति ईरानी का जन्म 23 मार्च 1976 को हुआ था और अभी वे लगभग 46 साल की हैं, और वो मॉडल बनना चाहती थी और अपनी चाहत को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली में पूरी करके 20-22 साल की उम्र में ही मुंबई चली गई थी। कुछ समय बाद स्मृति का मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में सिलेक्शन हो गया था, जिसमें उन्होंने टॉप 5 में जगह भी हासिल कर ली थी। यहीं से उनके मॉडलिंग करियर और स्ट्रगल की भी शुरुआत हुई थी। एक इंटरव्यू में स्मृति ने बताया था, मैंने 1998 में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, मगर मेरे घर वालों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं देखने में इतनी सुंदर नहीं थी और दिखने में किसी मॉडल के आसपास भी नहीं थी, इसलिए जब मुझे कॉन्टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था तब मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ था और फिर मैं फाइनल्स के लिए मुंबई आई थी। उन्होंने बताया था, पिता मेरे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने से इतने खुश नहीं थे, किसी को विश्वास नहीं था कि मैं फाइनल में भी पहुंच सकती हूं। मैंने अपने पिता से 2 लाख रुपये यह कहकर उधार लिए थे कि ये पैसे मैं उन्हें वापस कर दूंगी। आपको बता दें, स्मृति मल्होत्रा को शुरुआत में पैसों की बहुत तंगी से गुजरनी पड़ी और इसके लिए वह एक रेस्तरां में काम करने लगी। रेस्तरां में नौकरी करने के दौरान स्मृति की मुलाकात एक अमीर पारसी लड़की मोना ईरानी से हुई। मोना ईरानी और स्मृति मल्होत्रा दोनों खास दोस्त बन गई। खबरों के अनुसार मोना ईरानी बहुत ही अमीर और पैसे वाली थी और अरबपति खानदान की बहू थी और उसकी एक बेटी भी थी। उस दौरान स्मृति मल्होत्रा पैसों को लेकर बहुत परेशान रहती थी। स्मृति की परेशानियों को देखते हुए मोना ईरानी ने कई बार उनके फ्लैट का किराया भी दिया। ऐसे में धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहराती चली गई। इसके बाद मोना ने एक समय स्मृति को अपने घर में रहने का ऑफर दिया। मुश्किलों में जिंदगी गुजार रही स्मृति भी मान गई और मोना के घर चली गई। घर में रहते हुए स्मृति और मोना के पति जुबीन के बीच दोस्ती हो गई और ना जाने ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में कब बदल गई। मोना ने स्मृति को अपने घर में पनाह दी, लेकिन स्मृति के कारण मोना को अपने ही घर से बेघर होना पड़ा था। मोना ईरानी को क्या पता था, जिस दोस्त को अपने घर में पनाह दे रही है वही
उसके घर से जाने का कारण बनेगी और उसका बसा बसाया घर तोड़ देगी। खबरों की माने तो घर में रहते हुए स्मृति ने सहेली मोना ईरानी के पति को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और मोना ईरानी की बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ डाली। जी हाँ, कहते हैं मोना ईरानी का पति जुबिन ईरानी एक अभिनेत्री के रूप जाल में फंसता चला गया और उसने अपनी पति मोना ईरानी को तलाक देकर उस स्मृति से शादी कर ली और मोना ईरानी को अपने ही घर से निकलना पड़ा। साल 2001 में स्मृति ने शादीशुदा जुबिन ईरानी पारसी से शादी की, जिसके बाद से स्मृति मल्होत्रा स्मृति ईरानी बन गई और उसी साल उन्हें एक बेटा भी हुआ जिसका नाम जौहर है। जब वो सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की शूटिंग कर रही थी, इसके दो साल बाद 2003 में स्मृति बेटी जोश की मां बनी। एक इंटरव्यू में स्मृति ने कहा था, मैंने जुबिन से शादी की क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत थी। मैं उनसे सलाह लेती थी, उनसे बात करती थी, हम रोज़ मिलते थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक दूसरे से शादी कर लें और हमेशा के लिए एक अच्छे दोस्त और शादीशुदा कपल बन जाएं। मेरे और उनके दोनों के घर वाले हमारे शादी से खुश थे और उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद भी दिया। स्मृति ने बताया था, मैं बहुत खुश हूँ कि जुबिन मेरे साथ हैं, वह मेरे लिए एक ऊर्जा की तरह हैं। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरी शादी इतनी सफल है क्योंकि जुबिन का पहले तलाक हो चुका है, मगर जुबिन की पत्नी मोना और उनकी बेटी शनेल से मेरी अच्छी दोस्ती है। उनके बीच की दूरियों से मेरा कोई नाता नहीं है, मेरा मतलब केवल जुबिन से और अपने बच्चों से है और यही मेरे लिए बहुत अच्छा है। स्मृति ईरानी की एक सौतेली बेटी भी है जिसका नाम शनेल है, जो उसकी दोस्त मोना ईरानी की बेटी है। मोना और जुबिन के तलाक के बाद बेटी शनेल पिता जुबिन के पास रहने लगी, जो अमेरिका की जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की, जिसकी सगाई हो गई है।